25 नवंबर को 10 ट्रेड यूनियनों का देशव्यापी बंद, बैंक कर्मियों ने भी दिया समर्थन। अहमद पटेल के निधन पर पीएम मोदी, राहुल और प्रियंका गांधी ने जताया दुख। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने पूर्व थर की सीमाओं पर सेना की परिचालन संबंधित तैयारियों का लिया जायजा। दावा नियामक एजेंसी डीसीजीआई से आपदा उपयोग की अनुमति मिलने की उम्मीद। कोविड 19 महामारी से निपटने में भारत ने दिखाई वैज्ञानिक क्षमता। एनजीटी ने सड़क बनने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को 335 करोड़ रुपए मंजूर करने का दिया आदेश। सोने की तस्करी के मामले में अधिकारी एम शिवशंकर को कस्टम अधिकारियों ने भी किया गिरफ्तार। टीके के दुष्प्रभाव की निगरानी के लिए तैयार रहे राज्य। केरल चुनाव के इतिहास में पहली बार भाजपा के केरल से मुस्लिम महिला को मैदान में उतारा। पीएम मोदी 10 दिसंबर को रखेंगे नए संसद भवन की नींव का पत्थर।